स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हमें डेरिवेटिव करना है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, हमारे पास दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करो, या तो यू इंटू वी, वो वाली फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो अभी हम यू इंटू वी वाली नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ज्यादा ईजी रहेगा। ओके, आप कोई भी मेथड कर सकते हो। देखो हमारे पास y प्लस टू दिया हुआ है, एक ब्रैकेट में x प्लस टू, दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अभी हमें पहले क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है, मीन्स y प्लस टू x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। x को मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो एक्स क्यूब, एक्स को थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करूं माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करूं प्लस 3x। ठीक है, इस तरह x को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब, x को 3x से किया तो 3x स्क्वायर, x को 3 से किया तो 3x, इस तरह। अभी 2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई, तो 2 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर, फिर 2 को इससे माइनस 6x, फिर 2 को 3 से प्लस 6। ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करें। देखो ये x क्यूब से, अभी देखो ये 3x स्क्वायर और ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर, दोनों में से बड़ा 3, साइन बढ़ेगी, इसको माइनस है, इसको माइनस है, इसको प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए तो रिमेनिंग 1x स्क्वायर, इस तरह। अभी ये 3x और 6x, दोनों में से बड़ा 6x, कौन सी साइन है, माइनस, इसको माइनस है, इसको प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 6x में से 3x गए तो रिमेनिंग 3x बचा और लास्ट में प्लस 6 सेम। ठीक है, अभी इसका हम डेरिवेटिव करेंगे सिंपल। ओके, आप देख सकते हो, देखो dy / dx जैसे मैंने फार्मूला बताई है x + n वाली, ये पावर नीचे आ जाएगी 3 और x की पावर एक कम कर देंगे 2 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, और इस पर 2 नीचे आ जाएगा 2 और x की 1 पावर हो जाएगी मतलब 2x, माइनस x का 1 होता है मतलब 3 हो जाएगा, और इसमें x वेरिएबल है नहीं तो 0, बस ये हो गया आपका आंसर, हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये आपका आंसर हुआ, सिंपल। ठीक है, आप u इंटू v वाली फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इसको u लो, इसको v लो, ऐसे भी आप कर सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूंगा ये ज्यादा इजी है, इस तरह करें। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अभी देखो क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। 10 में भी इसी तरह ही है, दो ब्रैकेट ही है। ठीक है, y = x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अभी क्या करेंगे, पहले दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो किस तरह होगा, एक्स स्क्वायर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर को मैं इससे करूंगा तो क्या हो जाएगी, एक्स की 4, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स की 3, एक्स स्क्वायर को 1 से इंटू करो प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, एक्स स्क्वायर को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स की 4 पावर में कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये एक्स की 1 पावर है मतलब 2 और 1 3 पावर हो गई, एक्स स्क्वायर को 1 से किया तो एक्स स्क्वायर, सिंपल। अभी प्लस एक्स को तीनों से मल्टीप्लाई, एक्स को इससे करूंगा तो क्या होगा, प्लस एक्स क्यूब, फिर एक्स को इससे करूंगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 1 से करूंगा प्लस एक्स, मल्टीप्लाई में ध्यान रखना और सिंपल में ध्यान रखना। अब ये माइनस 1 है, सबको माइनस वन से इंटू करूंगा, साइन चेंज होगी क्योंकि माइनस वन से इंटू करो, माइनस वन को एक्स स्क्वायर से तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन को माइनस एक्स से तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस वन को प्लस वन से मतलब माइनस वन और वन जा वन मतलब साइन चेंज होगी, ध्यान रखना। ठीक है, सिंबल का मैं ध्यान रखना। अभी इसको हम सोल्व करें, देखो ये एक्स क्यूब माइनस में, एक्स क्यूब यहाँ पे प्लस में कट हो जाएगा। अभी इसी तरह देखो एक्स स्क्वायर ये प्लस में, ये माइनस में कट हो जाएगा, रिमेनिंग देखो कोई भी कट नहीं हो रहा है, अभी हम बना के रख रहे हैं, ये एक्स की 4, फिर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स और प्लस एक्स प्लस 2x। ठीक है, और लास्ट में माइनस 1, इस तरह। अभी इसका डेरिवेटिव करेंगे, सिंपल हो जाएगा, तो इसका हम डेरिवेटिव करें dy / dx, देखो 4 पावर नीचे आ जाएगी, 4 और एक पावर कम हो जाएगी, 4 माइनस 1 मतलब 3 हो जाएगा, माइनस इसी तरह 2 नीचे आ जाएगा और एक पावर हो जाएगी मतलब 2x, प्लस
एक्स का वन होता है मतलब ये टू हुआ, एक्स का वन हो गया और माइनस इसमें एक्स वेरिएबल ही नहीं है तो जीरो कॉन्स्टेंट है जीरो, जो मैंने आपको रूल्स बताए। तो ये हमारा आंसर हो गया 4x³ - 2x + 2, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे दोनों सब कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना है, थैंक यू।